आज सकाळपासून नागपुरात सर्वत्र क्यू आर कोडवर आधारित स्मार्ट वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीमची सुरुवात झाली असून आता घरोघरी क्यू आर कोड लावण्यात येत आहे. बघूया काय आहे त्यांचं महत्त्व. नागपूर शहरात केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कचरा संकलनाची व्यवस्था अधिक व्यापक आणि पारदर्शक करण्यासाठी क्यू आर कोड पद्धतीवर आधारित स्मार्ट वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टमची सुरुवात आजपासून करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचे उद्घाटन आज नागपूरचे महापौर दयाशंकर तिवारी, उपमहापौर मनीषाताई धावडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. मनपातील विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, स्मार्ट सिटीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती भुवनेश्वरी एस यावेळी उपस्थित होत्या. शहरात प्रायोगिक तत्वावर स्मार्ट वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टमच्या माध्यमातून कचरा गोळा केला जाणार असून यासाठी प्रत्येक घराचे जिओ टॅगिंग करून घरांवर क्यू आर कोडचे स्टिकर लावण्यात येत आहे. नागपूर स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड व नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने आयसीटीवर आधारित सिस्टम नागपुरात लागू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त कंपनीसोबत कचरा संकलन, ट्रॅकिंग आणि मॉनिटरिंग करण्याची मुभा प्रदान केली आहे. कचरा संकलन करणारा कर्मचारी आपल्या मोबाईलद्वारे क्यू आर कोड स्कॅन करेल आणि वजन करून कचरा घेईल. पहिल्यांदाच नागपूर शहरात अशा पद्धतीची क्यू आर कोड सिस्टम लावण्यात येत आहे. या व्यवस्थेमुळे नागरिकांच्या घरातून ठराविक वेळेत कचरा उचलला जाणार आहे. एक साइंटिफिक वे से इसका क्रियान्वयन होना चाहिए ऐसा निर्णय लिया गया. केरला में इस प्रकार का प्रयोग पहले किया गया था, इसलिए रविनगर के पास एक स्लम बस्ती में 10 घरों में क्यू आर कोड लगा करके हमने ट्रायल बेसिस पर एक महीने तक कार्रवाई की. उसके रिजल्ट अच्छे आए. रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद में पूरे नागपुर शहर में यह होना चाहिए, इस दृष्टि से हमने एक प्रस्ताव रखा. इन बिटवीन राज्य सरकार के माध्यम से एक परिपत्र आया स्मार्ट सिटी के माध्यम से. कारण शहर में यह एक नई स्मार्ट व्यवस्था हम लोग जनित कर रहे हैं, इसलिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से यह प्रकल्प होना चाहिए ऐसा विषय स्मार्ट सिटी के हमारी प्रमुख भुवनेश्वरी मैडम के पास गया. उन्होंने इस प्रकल्प को देखा. प्रकल्प को देखने के बाद, उसका सखोल अध्ययन और रिपोर्ट देखने के बाद, यह प्रकल्प लागू होना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय लिया. लेकिन कोई भी नियोजन करते करके इस काम को प्रारंभ करेंगे. उसके बाद इस संपूर्ण जोन में यह क्यू आर कोड लगेगा. इसी प्रकार से एजी कंपनी जिस जोन में काम करती है उसमें से एक जोन में हम लोग क्यू आर कोड लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी महीने भर में यह यंत्र खड़ी हो जाए, जिससे केवल अंकुश कचरा उठाने वाली संस्था पर ही नहीं लगेगा, एक डिसिप्लिन मैनर में अनुशासन के साथ हम कचरा संकलन कर रहे हैं, इस दृष्टि से हमें जानकारी मिलेगी. और इस कचरा अलग अलग देना चाहिए, गीला देना चाहिए, सूखा अलग देना चाहिए, यह अवेयरनेस कैंपेन करने में भी इस डाटा के आधार पर हमको मदद मिलेगी.